श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पट खोल देखो अंतर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अंतर का पट खोल करके देखना, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे देखोगे तब चौथा सागर का वर्णन करेंगे तो समझ में आएगी। तो चौथा सागर है जुगल किशोर श्रृंगार, जुगल किशोर का श्रृंगार। तो उसमें अब पहले श्री राज्य का श्रृंगार, श्री राज्य का श्रृंगार पहला, और उसमें पहला श्रृंगार, फिर बाद में दूसरा श्रृंगार भी आएगा, तीसरा आएगा। जेते परिक्रमा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनामिने वास्ते सयन के काज। हाँ बोलिए, उसके उपाय का अर्थ। हाँ, ऐसा सात बार वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं, वो उसमें श्रृंगार में दूसरे उल्लेख है। तो उसमें वो वस्त्र और आभूषण के बगैर भी राज्य के श्रृंगार का वर्णन है। हाँ, तो वो भी श्रृंगार ही है। हाँ, इस प्रकार से वो माया के श्रृंगार का वर्णन नहीं है, वो परमधाम के ही सातों वहीं के गिनना होता है। हाँ, वो ऐसे लगा दिया सरल होने के लिए, तुक बैठा दिया, लेकिन तो ये परमधाम के श्रृंगार की बात करते हैं। तो राज्य का श्रृंगार, तो ये अब आगे भी और आएंगे, इसलिए राज्य का श्रृंगार कहने से अब इस प्रकरणों को, तो ये पहला श्रृंगार का प्रकरण। तो उसका भी अब मंगलाचरण, तो सारा एक ही लाइन में लिख दिया तो उसमें फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये अब चौथा श्रृंगार, चौथा सागर क्या है? युगल किशोर का श्रृंगार, ये चौथा सागर है। अब उसमें श्री राज्य का श्रृंगार अभी बता रहे हैं, तो उसमें भी ये पहला श्रृंगार है, तो उसका भी अभी मंगलाचरण, फिर मंगलाचरण पूरा करेंगे, फिर श्रृंगार बताएंगे। इस प्रकार से होता है। चौदह तबक की दुनी में किन कया न बका हरफ। दुनिया के चौदह लोक में कहीं भी अखंड के विषय में कहा नहीं गया है। तो स्पष्ट करने के लिए तो एक वाक्य भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। वैसे है, किंतु अखंड है, पूर्ण ब्रह्म है, ये बात है। तो पूर्ण ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है, तो उनका धाम इस प्रकार से है, उसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक नहीं कहा है। ये हरफ कैसे कहे भाई, कि न पाई न बका तरफ। किसी को भी अखंड के तरफ में, अखंड की दिशा का उसका ख्याल नहीं रहा, इसलिए ऐसा नहीं कहा गया है। आया इल्म लुदन्नी कहे शायद एक खुदाए। जब ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पधारे, तो उन्होंने ही अपने साक्षी दी। पूर्ण ब्रह्म पधारे और उन्होंने ही साक्षी दी, बाकी तो पहले की बातें हैं, तो वो थोड़ा संकेत है। तो उन्होंने अपना वर्णन स्वयं नहीं किया है। तर्फ पाई हका इलमे, तो ब्रह्म ज्ञान से हम लोगों को भी वो पता चलने लगा है, हर और लोगों को भी। मैं बक्का पहुंची इन राय, तो मैं भी अखंड में पहुंचा, तो इसी मार्ग से पहुंचा। प्रणा जी ये कह रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुझे भी पता चला, तो बाकी तो उसके बिना तो पता ही नहीं चलता। तो सदगुरु को पता चला,
तो स्वयं ब्रह्म ने प्रकट होकर के समझाया, तब पता चला। अरस देखा रूह अल्लाह ने परमधाम को देखा। हकसुरत किशोर सुंदर, उन्होंने अक्षरादित पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को देखा, तो किशोर स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, तो ऐसा देखा। कही वाहिदत्त की मार्फत उन्होंने अद्वैत भूमिका की पहचान करवाई, जो अरस के अंदर परमधाम के अंदर जो अद्वैत भाव है, वाहिद का अद्वैत भाव का भी उन्होंने परिचय दिया। नदी ताल बाघ जानवर, जो अरस के हकीकत परमधाम की यथार्थता में वहाँ पर नदी है, ताल है, बाघ है, पशु पक्षी हैं, तो ये परमधाम में है। रुहअल्लाह दही साईदी, सतगुरु ने ये साक्षी दी है। हकहा दे खास उम्मत, तो उन्होंने अक्षरातीत की भी वो बात बताई, श्यामा जी की भी बताई, और खास उम्मत ब्रह्मात्माओं की भी बात कही। मोहम्मद पहुँचे अरस में, देखी हकसूरत, रसूल मोहम्मद ने भी ये कहा कि मैं भी परमधाम पहुँचा हूँ और मैंने भी खुदा की सूरत को देखा है। और हौज जो ये बाघ जानवर कई सब हक मार्फत, उन्होंने भी जो कुछ देखा उसकी थोड़ी सी बात ऐसे बता दी। उसमें हौज है, जोए है, बाघ है, जानवर है, तो इस प्रकार से तो वहाँ की बात बताई है। देखिए अमरद जुल्फे आका के, उन्होंने आका के अमरद, अमरद बोलते हैं किशोर, ऐसे जुल्फे तो बाल, तो उन्होंने पूरा स्वरूप नहीं देखा जैसे सदगुरु ने देखा, तो उनको तो ऐसा वो पर्दे से दूसरे तरफ से उनको आवाज़ आ रही थी, तो उनको ऐसे थोड़ी सी झलक हुई है। और बहुत करीब मजकूर बातचीत की है, तो उनकी बातें सुनी, कई बातें जाहिर बात उन्होंने, उन्होंने कुछ बातें जाहिर करने के लिए बोला और कुछ गुप्त रखने के बोला। पहुँच के हक हजूर, तो इस प्रकार से तो उन्होंने परमात्मा के पास में पहुँच करके तो कुछ बातें की, और परमात्मा ने उनको ये बोला कि ये इतनी बातें तुमको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से इतना सबके लिए जाहिर कर देना और इतना तुम्हें ठीक लगे उन लोगों को बताना, सिलेक्टेड लोगों को, और बाकी मैं आकर के बताऊंगा, इस तरह से बोला। ये शायद ही आई इन विधि की, इस प्रकार से ये साक्षी आती है। कहे खुदा एक मोहम्मद बरहक, मोहम्मद ने ये बोला कि खुदा एक है, परमात्मा एक है, वो बरहक है, वो सत्य है। क्यों कहूँ शुद्ध परे बिना इल्म, तो ये ब्रह्म ज्ञान के बिना सो क्यों शुद्ध परे बिना इल्म, तो ब्रह्म ज्ञान के बिना ऐसे परमात्मा की समझ कैसे प्राप्त होगी। हक इल्म करी बेशक, तो स्वयं परमात्मा ने प्रकट होकर के ज्ञान दिया, तो उसी ने सबका संदेह निवारण कर दिया। बाकी तो रसूल मोहम्मद ने बताया, तो उससे भी किसी का संदेह गया नहीं, जितने लोग उनकी बातें सुनने वाले थे उनमें से किसी को भी संदेह दूर नहीं हुआ, इसलिए सब लोग लड़ते झगड़ते ही रहे हैं। तो संदेह दूर हुआ तो स्वयं परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने सतगुरु को दर्शन दिया, ज्ञान दिया, तो उससे सबके संदेह निवारण, सबके संदेह का निरूपण हो गया है। मोहम्मद के फुरमान में कई तीन सूरत, रसूल के वचनों में तीन स्वरूप की बात कही है, तो उनमें से बशरी, मलकी और हक की। तो बशर वाले बशरी, तो बशर तो शारीरिक उसमें ज्ञान वाले, तो उसमें एक साधारण उसमें उसके बशर के लिए ऐसा भी कहा है कि वो इंसान, इंसानियत की बात करने वाला, तो इस तरह से तो वह बशर वाले, और मल की मिलकत समझाने वाले, और परमात्मा के स्वरूप को समझाने वाले, इस प्रकार से ऐसी बात कही है। एक अव्वल दो आखर, एक तो शुरू में आदि में और दूसरे हैं वो आखर में आएंगे। तो अव्वल कौन सा है और आखिर कौन सा है, आखिर का तो कयामत का समय, अब तो अव्वल कौन सा है, तो उसके संदर्भ में किसी को भी ख्याल नहीं है, इसलिए
रसूल मोहम्मद ने ये भी कहा कि मेरे पास में कुरान है लेकिन वो बंद है, ऐसा तो कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि मुझे खुदा ने बात तो सुनाई है लेकिन तुम्हें किसी को बताने के लिए नहीं बोला है, तो बाद में वो स्वयं आकर के बताएंगे। तो ये अव्वल तो पहले से चलता आया है, तो जो भी परमात्मा की बात कहने वाले लोग हैं उन सब को मोहम्मद कहा, तो मोहम्मद एक व्यक्ति विशेष का नाम होकर के पूरी परंपरा रही है, जितने भी पैगंबर हैं सबको मोहम्मद कहा, तो सबके नाम अलग अलग रहे, तो उसमें खास करके नूर तो वो परम वो खुदा का ही नूर है, तो इस हिसाब से उसको नूर नाम रख दिया, नूर मोहम्मद ऐसा करके। विशेष का नहीं है तो सारे ही हैं, तो सब में खुदा का ही नूर है, तो उसकी उस प्रकार से बात की है। तो अब अव्वल कहने से अब यही समझना पड़ेगा, पहले जो परंपरागत रूप से चलती आ रही है तो, और वो अव्वल से ये हैं और दो आखिर के हैं, तो आखिर के समय पर जब स्वयं प्रकट हुए परमात्मा तो उन्होंने फिर अपना ज्ञान दे दिया, तो वो ज्ञान है दो स्वरूपों में समझाया, तो दो एक ही है किंतु तो वो दोनों के अंदर विराजमान होकर के बारी बारी से समझा रहे हैं, इसलिए दो स्वरूप हो गए। तो रसूल ने ये बात समझाई, मेरी रूह जो वर्णन करता है करी हादियों मेहरबान की, तो मेरी रूह मेरी आत्मा जो वर्णन कर रही है तो वो गुरुजनों की कृपा से, तो पहले से लेकर के अभी तक जितने जितने महापुरुषों ने बातें बताई हैं उन सब का रहस्य तो सदगुरु ने समझा दिया। तो अभी जो मेरे द्वारा वर्णन करवा रहे हैं तो ये इस प्रकार से है, ना तो अव्वल से आज अलग, नहीं तो शुरू से लेकर के आज तक सृष्टि के आदिकाल से लेकर के कहो जाहिर न बक्का के कहीं भी अखंड की बात तो इस प्रकार स्पष्ट नहीं हुई है। आत्मा चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर वेद द्वय, आत्मा तो युगल किशोर के दोनों स्वरूपों के वर्णन करना चाहती है, ये द्वय वर्णन कैसे करूं, ये दोनों का वर्णन कैसे करें, दो एक कहावत सोए, दोनों दो अलग अलग स्वरूप तो है नहीं, एक ही स्वरूप है। वर्णन होए इल्म से जो इल्म हक का होए, तो वर्णन तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगा, जो स्वयं परमात्मा का ज्ञान होगा उनका दिया हुआ उससे ही वर्णन होगा। एक देखाऊं बातों में तो मूल रूप से एक इसी से दिखा सकते हैं, और जाहिर वर्णव दो है और जाहिर में दो वर्ण बताएंगे, तो मूल में तो एक ही है, एक ही से अलग अलग हैं। तो जुगल किशोर कहेंगे तो भी जुगल है तो वो जाहिर में ही है, लीला के रूप में ही भिन्न भिन्न है, मूल रूप में तो एक ही है, इसलिए वो गुण रूप से तो एक ही बताते हैं, उसी को अद्वैत कहा। रूह चाहे बका स्वरूप की वर्णन करो जीमी इन, आत्मा चाहती है कि अखंड का वर्णन इस दुनिया में करें, इल्म लुदन्नी खुदाई से जो कबाऊ न सुनिया कि न, वो भी इल्म लुदन्नी से ब्रह्म ज्ञान से खुदाई इल्म से, तो जो कबाऊ न सुनिया कि न, जिसको किसी ने अभी तक नहीं सुना है, जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, ऐसा मत समझना कि किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन कर रहे हैं, ए सब थे न्यारा शोभान जो सबसे अलग हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो अर्श अजीम में बका हो तो दिव्य धाम में अखंड धाम में है, श्रेष्ठ अखंड धाम में, मलकुत ऊपर हवा सुन, तो वो धाम की बात कर रहे हैं, मलकुत से ऊपर शून्य है हवा है, तो हवा माया के लिए कहते हैं, तीन पर नूर अक्षर है, उनसे आगे जाते हैं तो नूर है, वो खुदा का ही नूर है, वो अक्षर है, तो नूर पार नूर तजल्ला, नूर से भी आगे है नूर तजल्ला है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये जो अक्षरातीत सब पर सबके ऊपर जो हैं वही यही अक्षरातीत हैं, अरस ठौर हमेशा की परमधाम, वो हमेशा का स्थान है, कभी मिटने वाला नहीं है, अखंड है,
हमेशा आकाश सूरत और परमात्मा का स्वरूप है, वो भी अखंड है। श्रृंगार सब है, हमेशा की उनके श्रृंगार वगैरह वो भी अखंड है, ना चल भी चले तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जित जैसा रूह चाहता तहाँ तैसा बना था श्रृंगार, आत्मा जैसा चाहती है वहाँ वैसा ही श्रृंगार तैयार होता है। नित्य नए वाहे दत्त में शोभा अखंड अपार, अद्वैत भूमिका में नित्य नूतनता का अनुभव होता है, ये अखंड की शोभा है, ये अपार शोभा है। या वस्त्र या आभूषण जो दिल रूह चाहे, वस्त्र या आभूषण जो आत्मा दिल से चाहती है उसी प्रकार से होते हैं। सो उन अंगों शोभा लिए, वो वस्त्र आभूषण जिन अंगों में जैसा चाहते हैं वैसी शोभा वहाँ आकर के बन जाती है। जानो आगो ही बन रहे हो, जो पहले से बने हुए हो ऐसा लगता है। हाथ न लगे भूषण को जो दीजिए ऊपर हाथ ऊपर, तो यदि ऊपर ऊपर से जैसे आभूषण है कोई भी हो तो उसको हाथ लगाएंगे तो चुभता है थोड़ा बहुत भी, किंतु परमधाम के ये आभूषण ऐसे ही इनमें हाथ लगाएंगे तो भी चुभता नहीं है। चित्त चाया अंगों सब लग रहा जुदा होए ना आज्ञा बेकार, जब तक चाहते हैं तब तक उस अंग में वो आभूषण रहता है, तो उससे फिर दूसरा हो उससे अलग हो वो आभूषण, तो वो तो चाहेंगे तब, जुदा होए ना आज्ञा बेकार, आज्ञा के बिना वो अलग नहीं हो सकता है। जिन खिन चित्त जो चाहे सो आगो ही बनी आवे, जिस समय आत्मा चाहती है उनका चित्त चाहता है तो वो पहले से तो चित्त इच्छा की और देखा इतने में तो पहले से बन चुका होता है, लग चुका होता है, वस्त्र हो या आभूषण हो। इन्हें भी श्रृंगार सब समय ऐसे श्रृंगार सदैव इसी प्रकार के श्रृंगार होते हैं, नित्य नए रूप दिखावे, तो नित्य नए नए रूप में दिखाई देते हैं। ना पहना न उतारिया, ना तो पहनने की आवश्यकता पड़ती है ना उतारने की। दिल चाया नित सुख, दिल से ने चाहा तो वो अपने आप हो जाता है। तो श्री राजा उतारे वस्त्र ऐसा कहते हैं, न चाया इच्छा की तो उतर गए, और सखियाँ श्रृंगार करवाती है, ये तो क्या होता अपने आप ही, किंतु तो उनको लगता हम कुछ करें, तो एक भाव है। वाहिद तो हमेशा का ये सुख हक सिंच तन्मुख, अद्वैत भूमिका का ये अखंड सुख ऐसा ही होता है। और हक सिंचता ब्रह्मात्माओं के सम्मुख होकर के धामधनी हमेशा इसी अखंड सुख को प्रदान करते रहते हैं। शब्द न लगे शोभा असल है, दुनिया के शब्द हैं ये असली शोभा को बताने में वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, पर रुआ मेरी सेवा चाहे, किंतु मेरी आत्मा तो उनको बताना चाहती है, सेवा करना चाहती है, तो वर्णन करो इनका, तभी इनका वर्णन हो रहा है। जानो रूहों भी दिल समाए, जैसे अन्य ब्रह्म आत्माओं के दिल में भी ये बात आ जाए, तो मुझे तो सदगुरु ने बताया तो मेरे दिल में आ गया, तो अब मैं बता दूं सबके लिए तो सबके दिल में भी आ जाए, तो ये बात बताना चाह रहे हैं। इन जीमी जरे की रोशनी मावत नहीं आसमान, परमधाम के एक कण की कण का प्रकाश भी आकाश में समाता नहीं है, तो ये वर्णन क्यों हो भाई अर्श साहिब सुभान, तो ऐसे दिव्य धाम के स्वामी का वर्णन कैसे हो सकता है, जब एक कण का प्रकाश भी आसमान में समाता नहीं है तो अक्षरातीत धाम धनी का प्रकाश है वो कैसा होगा और कैसे उसका वर्णन हो सकता है। आशिक क्यों वर्णन करें इसके लिए रहमान, तो ये आशिक आत्मा तो वो कैसे वर्णन करेगी, तो इसके लिए रहमान, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के का प्रेम प्राप्त करके ही वर्णन करेगी। एक अंग को देखने लगे जब वो उस प्रेम से वर्णन करना चाहेगी तो एक अंग का वर्णन करने लगेगी, उसको देखने लगेगी तो वो वहीं पर मस्त हो जाती है, वहीं पर गलतान मतलब तो वहीं पर वो पिघल जाती है, वो फिर उसी में देखती रह जाएगी। तो वो आत्मा प्रेम से वर्णन करना चाहे तो कैसे कर पाएगी, तो
आत्मा भी कर नहीं सकती है, कहने का तात्पर्य यह है। तो आत्मा भी वर्णन कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो किसी एक अंग को देखने लगे तो बस उसी में मस्त हो जाएगी, उसी में खो जाएगी, पिघल जाएगी का मतलब उसी में खो जाएगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इस तरह का इतना वो खो जाती है। तो फिर वर्णन कैसे होगा? तो उसके लिए आगे कहते हैं, शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौथाई। या ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे चाहने से तो होता नहीं है, तो जब अक्षरातीत चाहेंगे तो वो वर्णन करवाएंगे, कहने का ये तात्पर्य है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते हैं तभी होता है, वो चाहते हैं तो कुछ भी हो जाता है। तो जो चीज़ सामान्य रूप से नहीं हो सकता तो भी वो चाहते हैं तो हो सकता है। इसलिए कि दुनिया में जो जो शक्तियाँ आई है, जिस रूप में जो जो आत्माएं आई हैं और उनको परमात्मा ने कुछ कार्य करवाए हैं जो दूसरों से नहीं हो सकते थे, तो उनके द्वारा वो करवाए हैं। तो मनुष्य के रूप में तो नहीं हो सकते थे, किंतु परमात्मा चाहते हैं तो हो सकता है, तो वो सब उन्होंने ही करवाया है। तो दुनिया में जो भी अच्छाई है वो सारी उनकी है, ये कहने का तात्पर्य है। उस प्रकार से समझना चाहिए, कोई उसमें अज्ञानी लोग ही वो इधर से उधर खींच देते हैं, उसने ये किया है तो वो बड़ा है, उसने ये नहीं किया है तो वो छोटा है बोल करके वो ऐसा खींचते हैं, तो वो अज्ञानता है। वो तो परमात्मा चाहते हैं वो होता है, बाकी मनुष्य के बलबूते की बात ही नहीं है। किसी के द्वारा कुछ करवाया तो उन्होंने करवाया, वो उनकी ही शक्ति है, वो मनुष्य की शक्ति नहीं है, और वो आत्मा भी ये बात नहीं बता पाती है। तो वो चाहते हैं तभी होता है, बाकी तो आत्मा तो किसी एक में मस्त हो जाएगी। इसलिए वो प्राणनाथ जी कहते हैं ना, यदि उसमें प्रेम में मस्त होना हो तो मेरे लिए तो सरल है, किंतु प्रेम में मस्त भी होना और ये सारा कार्य भी करना तो ये बड़ा मुश्किल है, ये सबसे नहीं होता है। जो परमात्मा चाहते हैं तो उसी से करवाते हैं, ये समझ लेना चाहिए। शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौथा, ये युगल किशोर की शोभा का ये चौथा सागर है। आवे लहरें नहरें अति बड़ी, तो वो लहरें हो नहरें हो, उसको लहरें आ रही हो ऐसा समझ लो, अथवा पूरा प्रवाह उमड़ करके आ रहा हो नहरों की भांति ऐसा कह सकते हैं। झीलें झीले अरवाह जो इनके, और अब उस प्रवाह को झेलने वाले तो उसको सहन करने वाले तो वो कौन होंगे? जो उनकी आत्माएं होगी वही सहन करती है। जैसे गंगा जी को स्वर्ग से लाने लगे तो उनके प्रवाह को कौन झेलेगा, कौन सहन करेगा? तो वो मुश्किल हो गई। तो फिर पता चला कि तो भगवान शंकर करेंगे, तो शंकर जी को पहले राजी किया, भगीरथ जी ने, अब गंगा आने के लिए तो तैयार हो गई है, तो उसके प्रभाव को कोई सहन नहीं कर सकेगा, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, हम कर देंगे। तो ऐसा करके तो फिर गंगा को अपने सिर पर ले लिया, तो सिर में समा गई। फिर तो फिर प्रार्थना करने लगे, तो इस तरह से तो ऐसा है, तो हर कोई वो झेल नहीं सकता। खूबी जुगल किशोर की प्रेम बचन इन्हें रीत, युगल किशोर की खूबी विशेषता वो और प्रेम और इन वचनों से, इस रीति से आशिक इन माशुक की भर भर प्याले पीत। तो आशिक आत्मा है, ऐसे माशुक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम को प्याले भर भर करके पीती है, तो उसी से ये वर्णन होता है। मेरी रुआ नयन के पुतली, तीन पुतलियों के नयन, तो मेरी रुआ के नयन, मेरी आत्मा की आँख हो और उसकी पुतली हो, तो गुजराती में की बोलेंगे, और तो उसमें वो हिंदी में पुतली बोलेंगे, आँख की पुतली। तो यदि आत्मा की आँख की पुतली होती और तीन पुतलियों के नयन और उस पुतली उसके भी आँख होते, तो तीन नयनों में राखो मासुक को, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तो
उन आँखों में रखना चाहते हैं। जो मेरी रूह पावे सुख चैना, तब आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मा की आँख की भी पुतली और उन पुतली की भी यदि कोई आँख होती हो तो उसमें उस आँख में रखना चाहते हैं। तो कितना है वो विशिष्ट स्वरूप है, वो साधारण रूप से तो उनका वर्णन हो ही नहीं सकता है। तो ये कहने का तात्पर्य है, तब मेरी आत्मा सुख और चैन चाहती है। तो ये तो अक्षरात इतने चाहा तभी हुआ है, हमारे वो बलबूते की बात नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जो मेरी रूह पावे सुख चैना, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन।